हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जो कि है नीतिका स्टडी पॉइंट और मैं हूँ नीति। आज हम जानेंगे मोल्ड के बारे में या जिसे फफूंद कहा जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक फंगस होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल मैटर दोनों के ऊपर उगते हैं और पाए जा सकते हैं। ये हमारे घरों के अंदर या फिर इंडोर भी पाए जा सकते हैं या फिर आउटडोर भी पाए जाते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये यहाँ पे हमारी इन्वायरमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उनको यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं और हमारा जो पृथ्वी है उसको साफ रखने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं मोल्ड और फंगस में अंतर। अगर आप देखेंगे तो ये कहा जाता है मोल्ड और जो हमारा फंगस है या फिर फंगी है उसमें क्या अंतर होता है। दोनों ही किंगडम फंजाई के अंदर आते हैं, बट थोड़े से इनके जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है उसकी वजह से इनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, बट मेनली दोनों ही यहाँ पे हमारे क्या हो जाते हैं, किंगडम फंजाई के मेंबर हो जाते हैं। अगर आप मोल्ड को देखेंगे तो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मोल्ड को अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो ये क्या होंगे, हमारे मल्टी सेल्यूलर बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती हैं। बट अगर आप हमारी फंगस को देखेंगे तो वो यूनिसेल्यूलर या फिर मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ये हमेशा याद रखिए, मोल्ड केवल मल्टी सेल्यूलर होगा बट हमारा जो फंगस है वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है। मोल्ड में अगर रिप्रोडक्शन देखते हैं तो ये यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक स्पोर जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, अपना जो संख्या है उसको बढ़ाते जाते हैं। अगर आप किसी प्लांट को देखेंगे तो प्लांट के द्वारा सीड या बीज प्रोड्यूस किया जाता है और उस बीज से अब आगे नन्हा पौधा आगे चल के नया पौधा बन सकता है। सिमिलर मोल्ड जो है वो स्पोर फॉर्म करते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है और इसी की हेल्प से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे जो स्पोर्स हैं जो कि मोल्ड के द्वारा बनाए गए हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और ईजिली यहाँ पे एयर के थ्रू फ्लोट हो सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कलर की बात करते हैं तो जो मोल्ड होते हैं वो बहुत सारे कलर में पाए जाते हैं, जैसे ग्रीन, पर्पल, ब्लैक, वाइट, ऑरेंज, इन कलर में आप मोल्ड को देख सकते हैं। चलिए जानते हैं ब्रेड मोल्ड के बारे में। लगभग सभी इंसानों को, बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि अगर आप ब्रेड या रोटी का टुकड़ा कुछ दिन ऐसे ही खुले में छोड़ दें तो कुछ ही दिन बाद उसमें छोटे छोटे रोए के समान या बाल के समान स्पॉट आपको दिखाई देना चालू हो जाएगा और ये जो है वो होती हैं मोल्ड। मोल्ड जो है वो ईजिली हमारे जो पुरानी रखी हुई खाने की वस्तुएं हैं उसमें ग्रो कर सकते हैं और उसको डाइजेस्ट करना या फिर कहें ब्रेक डाउन करना चालू कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा ब्रेड है या फिर जो हमारा रोटी है वो यहाँ पे शुगर और कार्बोहाइड्रेट से रिच होता है जो कि हमारी मोल्ड को ग्रोथ दिलाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि शुगर और कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो मोल्ड को प्रमोट करते हैं कि आप स्पोर फॉर्म करें और ग्रोथ करते जाएं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते होंगे आपके किचन में अगर कोई ब्रेड रोटी रखी हुई है, पुरानी बासी खाने की चीज़ें रखी हुई हैं कुछ दिन तक खुले में, तो उनमें आप मोल्ड को देख सकते हैं जो कि काले स्पॉट के रूप में आप को दिखाई देंगी। चलिए देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोल्ड। सबसे पहला है ब्लैक ब्रेड मोल्ड, इसे कॉमनली यहाँ पे राइजोपस कहा जाता है। ये हमारे ब्रेड में दिखाई पड़ सकते हैं, बासी ब्रेड है उसमें दिखाई पड़ सकते हैं, साथ ही साथ ये फ्रूट और वेजिटेबल्स में भी दिखाई पड़ सकते हैं और ये जो है वो सड़न का कारण भी कारण बन सकते हैं। अगर फ्रूट और वेजिटेबल्स हफ्तों हफ्तों रखे हुए हैं आपके किचन में
खुले में, तो यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्रेड मोल्ड हैं वो इसमें ग्रो कर सकते हैं और आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट को यहाँ पे सड़ा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो मोल्ड हैं उनमें ये कैपेबिलिटी पाई जाती है कि ये प्लांट को भी यहाँ पे किल कर सके उनके ऊपर ग्रो होकर। अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन पैचेस के रूप में दिखाई पड़ते हैं या फिर फ्यूजी ब्लू कलर में भी दिखाई पड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे और ये आगे ग्रो करते जाएं तो ये ब्लैक कलर में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये जो मोल्ड होते हैं ये यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन भी कई लोगों को देना चालू कर देते हैं। अगर कोई इंसान इन वेजिटेबल्स या फ्रूट को खाए जिसमें कि ब्लैक ब्रेड मोल्ड ने ग्रो कर रखा है तो यहाँ पे उन्हें कुछ एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में दिखाई पड़ सकती है। सेकेंड अगर हम देखते हैं तो पेनिसिलियम ब्रीड मोल्ड, ये जो मोल्ड होते हैं ये मोस्ट कॉमनली हमारे फूड में पाए जाते हैं। इस मोल्ड का यूज़ यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए किया जाता है। कई लोग जो हैं वो फूड में फ्लेवर ऐड करने के लिए इस मोल्ड का यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ब्लू चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। इसके जो कुछ स्पीसीज़ हैं वो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं जिसे यहाँ पे पेनिसिलिन कहा जाता है, और ये जो पेनिसिलिन है मॉलिक्यूल है उसका यूज़ यहाँ पे एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है लोगों के रूप में, मेनली कहें तो ये एक मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो इसे कहा जाता है क्लेडोस्पोरियम ब्रेड मोल्ड। ये जो मोल्ड होते हैं ये मोस्टली इरिटेटिंग और एलर्जिक मोल्ड होते हैं जो कि लोगों के बॉडी में इरिटेशन और एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। ये ब्रेड में दिखाई पड़ सकते हैं और अगर पैचेस की कलर की बात करें तो ये यहाँ पे ग्रीन से ब्लैक हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके द्वारा एक ऑर्डर दुर्गंध प्रोड्यूस किया जाता है और इसकी हेल्प से आप जान सकते हैं कि आपकी जो खाने की वस्तु है वो सही है या नहीं। अगर आपके खाने की कोई चीज़ बाहर में पड़ी हुई है और उससे एक ऑर्डर दुर्गंध दिखाए, हाँ स्मेल आपको महसूस हो रहा है तो हो सकता है कि ये जो है वो मोल्ड इसमें ग्रो कर चुके हैं जो कि है क्लेडोस्पोरियम मोल्ड, और आप इसको खाना अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो था मोल्ड को लेकर वो इतना ही। आज का इस वीडियो से रिलेटेड चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो पेनिसिलिन था जो कि एक एंटीबायोटिक है उसको किस मोल्ड के द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन है ब्लैक ब्रेड मोल्ड, दूसरा है पेनिसिलियम मोल्ड और तीसरा है क्लेडोस्पोरियम मोल्ड। आंसर कमेंट करके दीजिए, ज़रूरी दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।